सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन पांच अगस्त 2019 को आर्टिकल थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए की अप्रोकेशन हुई और आज हम एक साल बाद पाँच अगस्त होने को आ रहा है आज हम ये तजिया कर रहे हैं कि जो ख़दशात थे या जो दुनिया को खतरा थे भारत ने वो ख़दशात भी दूर कर दिए ख़तरा भी कहीं नज़र नहीं आते और आज भारत में एक साल होने को आ रहे हैं और इसकी खुशियाँ इसकी सेलिब्रेशंस मनाई जा रही हैं एनीवर्सरी है और जो थोड़ी बहुत मुखालफत थी वो भी कहीं नज़र नहीं आती इस पर बातचीत के लिए हम थर्ड ओपिनियन में मैं और थर्ड ओपिनियन के रूह रूम ब्रिस्टर हमीद बशानी मौजूद हैं हमीद बशानी साहब आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ पहला सवाल आपसे ये है कि एक साल गुजर जाने के बाद आपकी क्या कैफियत है देखें जी थैंक यू ताहिर साहब ये एक साल गुजरने के बाद जो सूरत हाल है ना उसमें जो मगालते थे लोगों के या गैर ज़रूरी किस्म के जो तो थी या अंदेशे थे वो कम से कम क्लियर हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये इसका एक पॉजिटिव पहलू है कि आप ये देखें कि जब ये वाक़ हुआ जैसा कि आपने फरमाया तो ये समझा जा रहा था कि वो बहुत बड़ा रद्दमल होगा खसन पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों की तरफ से तो जो होना था तो होना ही था लेकिन चूंकि उनकी एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी उसके लिए आप ये एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि उन पर पाबंदी थी या लॉकडाउन थे या जो भी था लेकिन जो कुछ इस तरफ हो सकता था उसका आपने देखा कि इमरान साहब जो हैं वज़र अजम वो चले गए मुजफ्फरबाद और वहाँ जा उन्होंने लोगों को कहा कि मैं जा रहा हूँ यूनाइट नेशन में और मैं इस मसले को जो है वो इंटरनेशनली उठाऊंगा आप लोग जो है वो बैठ के मेरा इंतज़ार करें कोई जलसा जुलूस ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने ए, मना कर दिया उसकी मैं आपको मसाल देता हूँ कि मना करने की क्या वजह क्या थी कि जलसे जुलूस हुए लेकिन सिर्फ़ उन कोवतों की तरफ से हुए जो इमरान ख़ान साहब के असर में नहीं थी मसल कोई कम प्रस्त हल्के थे आज़ाद कश्मीर के लेकिन जो वहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी जो पाकिस्तान के असर में हैं और जो मसला कश्मीर को लेके हर बात पे जलसा और जुलूस करते हैं अखबारी बयान देते हैं उन सब को सांप सूंख गया चूंकि इमरान साहब ने यह कहा कि जी कश्मीर करते करते हमें जो है अपने वजूद को ख़तरा पड़ गया है और अब जो है वो इंडिया हमें भी कहीं ना ऐसा ना हो कि हम पर हमला कर दे तो इसलिए आप जो है वो बिल्कुल ख़ामोशी अख्तियार करें और इस पर कोई रद्द अमल ना करें तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई बात नहीं थी कि वो इंडिया से एकदम इतने डर गए थे मैं समझता हूँ कि ये उनकी पॉलिसी थी और वो पॉलिसी की दो चीज़ें हो सकती हैं एक तो सरेंडर है कि जी बस अब बात ख़त्म है हम कुछ नहीं कर सकते और दूसरा ये है कि वो इंडिया को ये मौका दे रहे थे कि इंडिया ऐसे करे ताकि वो भी चुके कश्मीर के बाकी इलाकों पे एक अरसे से उनकी नज़र है जिसमें कि गलगित बल्तिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पाटेंट है और जाहिर आज़ाद कश्मीर भी है तो इस हवाले से उनको एक माना चाहिए था जिसको वो बुनियाद बना के, के जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता चूँकि अब ये यूनियन टेरीटोरीज़ बन गई हैं इंडिया की एक जो है वो ख़ास टेरीटोरी जिसको आप कहते हैं तो इसको हम चुके कुछ कर नहीं सकते इसलिए अब जो है हम इन, इन, इन इलाकों को भी हकूक़ के नाम पे यानी कहेंगे बाजार ये कि हम इनको हकूक़ देते हैं लेकिन हकूक़ के नाम पे हम इनको पाकिस्तान में मर्ज कर देंगे जो कि हो रहा है और ये बार बार मुख्तलि बिल्लों की शक्ल में है कभी तेरहवीं तरमीम आ रही है कभी चौदहवीं तरमीम आ रही है उधर आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर जिसमें कि ये कोशिश की जाएगी कि आज़ाद कश्मीर और गलगत बल्तस्तान को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के सेटअप में डाल के तो इस मसले को तहलील कर दिया जाए तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ अब एक्सपोज हो गई लेकिन बशानी साहब क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर जो है जिससे आपका भी तल्लक है गलगत बल्तिस्तान जो ज़ाहिर आप ही की हेरीटेज का हिस्सा है वहाँ पर पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ हैं या पाकिस्तान का वहाँ पर जो असर रसूख है वो कोई अच्छा नहीं रहा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो वहाँ के हालात हैं अच्छे नहीं हैं तो इन हालात में क्या वाकई उनका मर्जर पाकिस्तान के साथ है वैसे तो पाकिस्तान के एडमस्ट एडमिनिस्ट्रेट एरियाज़ पहले ही हैं लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर है वो इतनी सहूलत से हो सकेगा नहीं वो सोलत से देखें वो जो तरीका वारदात है ना उन इलाकों में मसगत बल्तिस्तान में तो नाइनटीन सेवेंटी फोर फाइव में ये सब कुछ हो गया था जिसपे आज इतनी चीखों पकार हो रही है कि इंडिया ने किया ये जो आपका थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव टाइप अरेंजमेंट था ये ज़ाहरा गलगित बल्तिस्तान के साथ भी था क्योंकि गलगत बल्च रियासत का हिस्सा है तो महाराजा के साथ जब यह बंदोबस्त था तो वो उसी से चलता आ रहा है लेकिन इन्होंने 1974 में इसको ख़त्म किया कि यहाँ पे लोग आके ज़मीनें ख़रीद सकते हैं बाहर से लोग आके आबाद हो सकते हैं जिसको डेमोग्राफिक चेंज आप कहते हैं यानी जो काम खुद किया उस पर आके तो उन्होंने टू में जो है वो शोर डाला कि इंडिया ने यह कर दिया इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनाब इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इनको नहीं है चूंकि इंडिया के बरक्स प्रॉब्लम इनका आसान इसलिए है कि इंडिया में तो उनको रजिस्टर करनी पड़ती है जो मुस्लिम फैक्टर है उसकी तरफ से कोई भी काम इंडिया करे खो नेक काम भी क्यों ना करने जा रहा हो अगर नेक काम भी करे ना ये मैं आपको बताऊं तो वो उसको अपोज़ इसलिए करते हैं कि इससे है इंडिया की नेक नामी होगी कश्मीर में जो वो चाहते नहीं यानी जो जो लोग उस साइड पर खड़े हैं जबकि यहाँ क्या है कि इन्होंने अपने जो है वो इतने मज़बूत किस्म के कैरेक्टर पैदा किए हुए हैं टाउट की शक्ल में कि वो हर बात की तारीफ़ करते हैं मस पाकिस्तान अगर ये बयान दे दी कि मंगला डैम जो कश्मीर की धरती पे है आज़ाद कश्मीर का उससे आज़ाद कश्मीर का कोई लेना देना नहीं बल्कि ये हमारी मलकियत है हमने बनाया था और हम इससे आज़ाद कश्मीर को कोई रॉयल्टी नहीं देंगे तो उनके टोट जो हैं उसके हक़ में बयान देना शुरू हो जाएंगे कि वाह 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 क्या फ़रमाया जी वज़ी अजम साहब ने यानी ये जमीर फरोशी की जो बदतरीन शक्लें हैं ना वो हमारे यहाँ मौजूद हैं जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है वो इस शक्ल में बार बार अपना ये जो है ना इस तरह की वो करता है इसलिए ये उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं ये आज़ाद कश्मीर की जो फेक किस्म की असम्बली है इसको अगर वो पाँच मिनट का नोटिस दें कि आप वहाँ से करारदाद पास करें जी कि आज़ाद कश्मीर आज के बाद जो है है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता नक्शे से गायब हो गया पाकिस्तान का सूबा बन गया कोई वो राहुल पिंडी पिंडी भाटिया का कोई हिस्सा बन गया कोई डिस्ट्रिक्ट बन गया तो वो पाँच मिनट में इनको बना के दे देंगे चूँकि वो इनके एक तरह से ज़ाती मलाजम टाइप लोग हैं जो वफ़ादारी की दौड़ में लगे रहते हैं वो कोई जैन रिप्रजेंटेटिव नहीं है पीपल ऑफ़ आज़ाद कश्मीर के वो मैंने आपको कई दफ़ा कहा था ना कि तारीख में जब कभी भी, भी वहाँ फेयर इलेक्शन हुए तो आप देख लेना कि वहाँ आवाम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इनके लिए कोई परेशानी की बात होगी प्रैक्टिकली इस वक्त भी वहाँ पे हर चीज़ इनके पास है कि अब आज़ाद कश्मीर में आप ये देखेंगे अब छः सात डैम बन चुके हैं आपको मेरे ख्याल में तफसी का पता होगा ए दरिया ए झेलम और नीलम पे जो है वो कुला पे और जगह जगह जो है वो इधर कोटली में ओलाड में इस तरह के बेशमार डैम बन गए जिन सब में जो है वो चीन की इन्वेस्टमेंट है और एक हवाले से प्रैक्टिकली वहाँ पे चीन के कुछ जो इंजीनियर्स हैं और इस तरह के लोग हैं वो काम भी करते हैं और उसके बावजूद ये किसी भी तरीके से किसी भी पेपर वर्क में किसी भी जगह पे जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर है उसका कोई ज़िक्र नहीं है कि उन्होंने कोई साइन किया हो या उनसे किसी ने पूछा हो या किसी तरीके से उनको इन्वाल्व किया हो कि भाई हम इस जगह पर जो है ये मतनाज़ा इलाका है बकोल हमारे इस पे हम डैम बना रहे हैं तो इसमें आप लोगों की क्या राय है आप इसमें किस तरीके से शामिल होते हैं बल्कि उल्टा यह है कि ये इतने बड़े डैम बनने के बावजूद वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है और जो माली हालात हैं वहाँ के वो आपको पता है कि पिछले दिन में जब कोरोना का हमला हुआ तो पता चला कि पूरे पूरी रियासत के पास कोई तीन से चार जो है वो वेंटिलेटर्स हैं तो इन हालात में फिर आप खुद देख सकते हैं कि ये वसायल ऑलरेडी उनके पास हैं इसलिए उनको कोई जल्दी नहीं आया कि वो उन इलाकों को मर्ज करें लेकिन ये बहरहाल उनकी प्लानिंग का हिस्सा ज़रूर है कि इनको मर्ज कर दिया जाए या, या कोई और शक्ल दे के तो किसी तरीके से इस पर अपना अक् मलकियत जो है वो किया जाए दूसरी तरफ आप देखें ना कि ये सिर्फ यहाँ हो रहा है अभी इस पर एक दूसरी जो डिवलपमेंट है आप देखें कि गलगत बल्तिसान में चीन ने गलगित बल्तस्तान के लोगों को चीन जाने पर वीज़ा फ्री किया हुआ है कोई वीज़ा नहीं चाहिए उनको चूँकि ये चीन ये समझता है कि ये भी दरअसल हमारा ही हिस्सा है कह ये रहा है कि हम आपको वीज़ा इसलिए नहीं आपसे ले आपको पासपोर्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं कि आप मुतनाज़ा हैं लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह चीन ने लद्दाख वगैरह का किस्सा पाक किया इस तरीके से वो गलगित बल्तिस्तान को भी और ख़ुद पाकिस्तान में आप देखें कि रज़ा गीलानी के दौर में ये बात ओपन हो गई थी कि पाकिस्तान ने ये सोच रहा है कि वो गलगत बल्तिसान को 50 साल के लिए चीन को दे दे 50 साल बाद किसने वापस मांगना है जाहिर है तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि उस इलाकों के बारे में उनका रवैया जो है वो खुद ऐसा है और दूसरी तरफ से वो कहते हैं जी कि इंडिया ने ये कर दिया ये मतलब ऐसा आदमी क्या बात करे साहब आपने बड़े अहम नुकात उठाए पहला तो ये कि पाकिस्तान की रियासत का आ, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान और गिलगत बल्तस्तान के साथ जो रवैया है वो सतीले सतीली माँ जैसा है एक तरह से फिर वहाँ पर फैसिलिटीज का इस कदर फुकदान है कि आपने बताया और ये बात ऑलरेडी ऑन रेकड है कि कोविड नाइन्टीन जब फैलना शुरू हुआ तो आ, कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोगों ने कहा कि हमारे पास तो तीन चार वेंटिलेटर्स हैं इस सारी सूरत हाल में जब हम दूसरी तरफ देखते हैं और अभी हाल ही में एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जो पाकिस्तान के भी कुछ लोग शामिल हैं और उसमें भारत के भी लोग शामिल हैं उन्होंने एक कंपैरिजन पब्लिश किया है कि जो कश्मीर इस तरफ है भारत के पास वो तो बहुत तरक्की कर रहा है और इवन फाइफ अगस्त के एब्रोगे आर्टिकल के बाद कोविड के ज़माने से गुजरने के बावजूद वो ठीक ठाक बेठी जा रहा है और वहाँ से आवाज़ें भी सेपेटम की उठनी बहुत कम हो गई हैं इससे पहले ज़्यादा होती थी और प्रोग्रेस भी हो रही है पहले भी होती थी, थी अब भी हो रही है और यहाँ तो ये हालत पूरी रियासत में तीन चार वेंटिलेटर मौजूद है तो इस सारी सूरत हाल में आपने ख़ुद भी अगरचे कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान की गिरफ्त इन रियासतों पर इस नोयीत की है कि वसाइल इनके पास खुद नहीं है और दे भी नहीं रहे तो इस सारी सूरत हाल में ये फिर चीन के जब हवाले कर देंगे पचास साल की लीज़ पे गिलगित बल्तस्तान को तो क्या ये इतना ही आसान होगा क्या आप समझते हैं कि भारत और इंटरनेशनल कम्यूनिटीज़ ऐसा करने देंगी नहीं यही तो बात है ना कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की दौर में ये जब ये सोच रहे थे तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट जाहिर है भारत ही बना चूँकि भारत की तरफ से तो ये एक ओपन इस पर स्टैंड है कि जी ये हमारा इलाका है तो उस पर लीज पे देना फिर ये एक बड़ी आखिर बहुत बड़ा एक कदम जो है वो बन जाता है जहाँ तक आपने दूसरे मिसाइल की बात की देखें जी आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो दुनिया का वायद खत्ता है जिसमें एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप जो है उसका मुस्तबल बता सकते हैं कि मस इसने जो है वो जाके दुबई में मरना है इंग्लैंड में मरना है या अमेरिका में मरना है चूँकि ये तय है नस्ल दर नस्ल कि इसका अपनी धरती पे जहाँ ये पैदा हुआ है वहाँ रह के तो ये ना ज़िंदा रह सकता है ना इसकी इसको कोई रोज़गार मिल सकता है ना इसको कोई जो है वो ऐसी को फैसिलिटी या ऐसे मौाक़े मिल सकते हैं कि यहाँ पे ये यह बाईस ज़िंदगी गुजार सके और ये सिलसिला सत्तर साल से जारी है तो वहाँ आज तक कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसने ये कहा हो कि भाई ये तो बढ़िया मतलब एक तरह का जुल्म है ना एक तरह की जबरन आप समझ लें कि जिला बतनी है एक तो होता है ना कि आप कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं बेहतर मौाक़ों की तलाश में या किसी और तरीके से वो दूसरी बात है और एक ये है कि जब आपके पास कोई मौके हैं ही नहीं बेहतर मौक़े नहीं बल्कि मौका ही नहीं सिरे से और आप जबरन जो है वो जिला वतन होते हैं रोज़ी रोटी के लिए एक एक हज़ार रियाल पे हमारे लोग जो है वो तीन तीन चार चार साल जो है वो दुबई में और सऊदी अरब में जो है वो अपनी फैमिली से दूर बीवी बच्चों से दूर वहाँ पे रेत में जो है वो खड़े रहते हैं और इस सिलसिले में उनकी बढ़ के देखें जी उधर से आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे वो इकानोमी जनाब जो है जम्मू कश्मीर की इकानोमी वो एक सॉलिड किस्म की ठोस किस्म की खुद कफील किस्म की इकानॉमी है यानी जो कि एक बाकायदा प्रोडक्शन जिसकी है अपने जो है वो जरात से ले के तो ये फल और ये सारी चीज़ें और तजारत और ये यानी एक लंबा चौड़ा एक वो सिलसिला एक साउंड किस्म की है हमारे पास तो इकानी कोई नहीं ये मांगे तानगे पे अब देखें ये शर्म की बात है कि अपने आप के वसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं और आप कशकोल लेके इस्लामाबाद के सामने खड़े होते हैं हर बजट के वक्त कि जी हमारे कशकोल में आप कितने करोड़ डालेंगे जो हम आपस में बांट परत के खा लेंगे आगे आवाम तक वो कोई चीज़ पहुँचेगी नहीं वहाँ की अब सड़कें देखें उन पर गद्दा गाड़ी जो है नहीं चल सकती इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि गद्दा उसमें गायब हो जाए और पांच पाँच छबक वजीर आजम कोई इधर से गुजर रहा है कोई इधर से गुजर रहा है उसके अपने घर के सामने जो है वो सड़कें टूटी फूटी हैं वो सब एक फ्राड है अवाम के साथ फ्राड हो रहा है आजादी के नाम पे सत्तर साल से और अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने इंडिया आगे रखा हुआ है अब आप ही ये देखे बात जो नई उन्होंने की पांच अगस्त को जो हम युम से बनाएंगे और इसमें जनाब हमारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टर्मिनोलॉजी चेंज करने की मंजूरी दी उस पर ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरा ये अफसोस दूर हुआ कि मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं गया मुझे बड़ा अरमान था कि यार मुझे ऑक्सफोर्ड में जो है जाना चाहिए था और या फिर इसके बाद ये था कि मेरे बेटे से मुझे थोड़ा सा शिकवा था कि वो ऑक्सफोर्ड में नहीं गया लेकिन अब मैं इतना खुश हुआ हूँ कि अगर नहीं गया क्योंकि मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड में कोई ऐसी तालीम है जिसका दुनिया से कोई तलक नहीं कि जी टर्मिनोलॉजी उन्होंने ये चेंज की कि आप जो इंडियन आकुपाइड कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी प्रेस में इसकी जगह इंडियन इ लीगल कश्मीर इस्तेमाल कर यानी जब आप लफ्स आकुपेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सा आकुपेशन है जो इलीगल या लीगल होता है भाई आकुपेशन इज़ एकुपेशन इट सेल्फ ये लफ्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं गुजरतर सत्तर साल से कब्जे का मतलब ही इलीगल होता है अब ये जो जैसे उर्दू अदब में हम ये नहीं कहते कि ये बेफजूल की बात कर रहा है <laughs> यानी फजूल के पीछे बे लगाते अब उन्होंने इसके पीछे लगा दी और वो इतना लंबा सेंटेंस बन गया कि अब जब कभी भी आप जम्मू कश्मीर का जिक्र करें ताकि आप जिक्र कर ही ना सकें उसका लगाएं आई 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 पता नहीं कौन सा जी इलीगली आकुपाइड जम्मू एंड कश्मीर बज, साहब इसीलिए तो वो मतियला जान ने इनके बारे में कॉलम लिखा था ऑक्सफोर्ड का अंगूठा छाप प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान ठीक है ना जी ये तो बेचारे मतीउल्लाह जान किसी किसी मतलब बेवजह नहीं पकड़े गए थे ये इस तरह के ग्रजेस हैं पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट के और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तो साहब आपने एक और अहम नुकता उठाया कि कश्मीरी जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर का कश्मीरी है उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है और उसको यही पता होता है कि बदकिस्मती से उसने कहीं मिडल ईस्ट में अमेरिका में यूरोप में और खुशकिस्मती होगी हो उसकी कि अगर वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पहुंच जाएगा लेकिन साहब हम ये देखते हैं कि आप जैसी सोच रखने वाले दानश्वर इंटेलेक्चुअल तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं दो दो तीन ही शायद होंगे बाकी जो कश्मीरी इतनी जद्दोजहद के बाद बाहर की दुनियाओं में जाते हैं वो भी इन्हीं की इसी इस्टेबलिशमेंट के पपट बन जाते हैं आप इंग्लैंड में देख लीजिए कितनी बड़ी पाकिस्तान की मीरपुर की और पूरे यूरोप में नॉर्वे में कम्युनिटी रहती है इवन यहाँ कनाडा अमेरिका में तो जब वो सारी सफरिंग से गुज़रते हैं तो फिर ये क्यों होता है कि वही लोग उनकी आ, उसी एडमिनिस्ट्रेशन और इमरान खान जैसे अंगूठा छाप डफर प्राइम मिनिस्टरों के पपट बन जाते हैं या स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं देखें इसकी दो तीन वजूह आते हैं एक तो जो है वो ये सत्तर साल से जो ब्रेन वाशिंग हो रही है इस्लाम और आज़ादी के नाम पे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इलाके पाकिस्तान और ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है इसकी वजह से ज़ाहिर है ब्रेंड वॉशिंग का एक पूरा प्रोसेस है जो स्कूलों में होता है कॉलेज़ में होता है यूनिवर्सिटीज़ में होता है घरों में होता है एक तो ये है दूसरा इसके पीछे एक जबर का आंसर भी है और जबर का आंसर ये है कि जाहिर है कि लोगों को डर और खौफ है कि मस आपकी अगर आप उनके ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं तो आपके पासपोर्ट के मसाइल पैदा होते हैं आपकी ट्रैवलिंग के मसाइल पैदा होते हैं आपके घरों पीछे जो लुआन हैं उनको तंग किया जाता है यानी वो सोसाइटी जो है अनफॉर्चुनेटली वो इतनी अनफ़ेयर है कि उसके अंदर ज़ाहिर खौफ का एक पूरा शेडो के अंदर जो है वो लोग जिंदा हैं और वो ज़ाहिर है कि हुक्मरान तबकात के साथ किसी किस्म की जो है वो कोई मतलब हार्ड टॉक या हार्ड फीलिंग्स जो हैं वो क्रिएट करने की पोजिशन में नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है बहुत बड़ी तादाद में वहाँ कोई तीस चालीस ग्रुप ऐसे हैं जो कि हुकूमत की इस लाइन को और ये सारी जो ब्रेन वाशिंग है सत्तर साल से हो रही है आज़ादी के नाम पे ये जो लोगों के साथ फ़्राड किया जा रहा है कि अब आप देखें कि एक साल हो गया इमरान ख़ान साहब ने ये कहा था कि जी मैं पता नहीं क्या से क्या दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा और कश्मीर हम ले लेंगे और फलाँ कर लेंगे और कल इनका एक मिनिस्टर माशाल्लाह असम्बली में खड़े होकर कहता है कि हम इन शाला जुमे की नमाज़ जो है वो श्रीनगर में पढ़ेंगे और दिल्ली की जाम मस्जिद में पढ़ेंगे तो ये लोग जो हैं ये दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं और कश्मीरीों को तो ये बिल्कुल इंसान ही नहीं समझते चूँकि कश्मीरी उनकी हर बात पर जो है वो बिलीव करते हैं कि एक साल पहले उनको उन्होंने बाबर करा दिया था कि कश्मीर ये जो कुछ हुआ हिंदुस्तान में ये दरअसल कश्मीर आज़ाद कराने का एक बहाना हुआ हमारी तो लाटरी निकल गई और दलील ये देते थे कि जी पहले फिर भी हिंदुस्तान के पास कोई किसी तरह के कोई एक्सक्यूज़ थे कि जी महाराजा हरी सिंह ने हमसे हल्क किया था या हमारे पास ये दस्तावेज़ है या हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है या शेख अब्दुल्ला और ये जो वहाँ की पार्लियामेंट ने क्रारदा पास की थी वो हैं तो इसलिए हमारे पास जस्टिफिकेशन है कि कश्मीर हमारा है और इसे हमारे साथ रहना चाहिए लेकिन अब जब उन्होंने खुद ही वो सब कुछ ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इनको मैंने इनके मुंह से सुना कि अल्लाह ताला ने हमारी दवा मान ली कि अब तो कश्मीर जो है वो जो लफ्स इन्होंने इस्तेमाल किया कि टोटली इलीगली इंडिया के पास चला गया तो अब हम जो है दुनिया हमारी बात सुनेगी पूरी दुनिया में किसी शख्स ने सिंगल कोई डिप्लोमेट किसी काबिल जिक्र मुल्क का जिसका कोई होशो आवास हो या दुनिया में कोई मकाम हो उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी अब ये आ गए एक नए फ्रॉड पे जब इन्होंने देखा ना कि अब आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं एक साल गुजर गया हमने किया क्या अब कश्मीरियों के आगे, आगे जवाब क्या दें तो ये ड्रामेबाजियाँ करके टर्मिनोलॉजी चेंज करके तो अब इन्होंने ऐलान किया कि जी पाँच अगस्त को हम पाकिस्तान की जो सैनट है उसका इजलास रखेंगे आज़ाद कश्मीर असम्बली में यानी यह बड़ी मजे की बात है आप इसमें ज़रा देखें तायर साहब के पाकिस्तान की जो सैनट है उसका आज़ाद कश्मीर से कोई लेना देना नहीं चूँकि ना कोई आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान की सैनट का मंबर बन सकता है ना उसका कोई वहाँ की असम्बली के साथ किसी तरह का कोई लेना देना है वो बिल्कुल एक अलग एक एन है तो आप उसका इजलास ले उठा के मुजफ्फराबाद करेंगे और वहाँ आप ज्यादा से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक आध करारदात पास करेंगे तो आपकी करारदादों को पूछता कौन है आप पहले अपनी करारदादें कि नहीं कि सत्तर साल में आपने कितनी हज़ार करारदातें आप पास कर चुके हैं कितनी हज़ार तकरीरें आप कर चुके हैं और कितनी दफ़ा श्रीनगर की जाम मस्जिद में आप जुमे पढ़ चुके बल्कि तो इनके मिनिस्टर्स थे शेख रशीद की तरह के जिन्होंने कहा था कि अगला साल का जुम ईद जो है वो हम श्रीनगर में पढ़ेंगे और ये बातें करके ये लोगों को एडियट बनाते हैं और ये समझते हैं कि लोग हैं ही एडियट्स और ये अब जाके वहाँ तकरीर करके अवान बाला का इजलास करके एक करारदादा पास करके कश्मीरियों को एक आल और साल के लिए जो है वो सुरखबाती के पीछे लगा के आ जाएंगे अब इसमें कश्मीरियों को भी शर्म नहीं आती ना वो अपनी नस्लों के साथ ज्यादा कर रहे हैं और बार बार ये उनको धोखे में डाल रहे हैं तो इसमें जाए क्या हो सकता है अनफॉर्चुनेटली तो बचानी साहब इस सारी सूरत हाल में जब भारत के यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं और एक ऐसे वाक़ की जिसको अनहोना समझा जाता था कि यह नहीं हो सकता यानी एब्रोक्रेशन आर्टिकल थर्टी ए थर्टी सेवन थ्री सेवनटी ये नहीं हो सकता वो हो गया अब एक साल भी खैर खरी से गुजर गया दूसरी तरफ ये योम गासबाना मना रहे हैं उस पर आपने काफ़ी रोशनी डाली आगे फ्यूचर क्या है चीन तो इतनी आसानी से जबकि ख़ुद चीन पर पूरी दुनिया का इस वक्त प्रेशर है इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर सकता गिलगत बल्तिस्तान पे और आपने ख़ुद कहा कि गिलगत बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में बहुत सारी मूवमेंट्स हैं बहुत सारे ग्रोह हैं जो पाकिस्तान के साथ इलाहा नहीं चाहते तो इस सारे मंजरनामे में आपको ऊँट किस करवट बैठता अगले कुछ सालों में नज़र आता है एक साल तो गुज़र गया नहीं ऊँट जो है वो अपनी जो करवट उसको अच्छी लगती थी जी उस पर वो बैठ गया है देखें ये जो यूनियन टेरिटरी का किस्सा है ये कोई मामूली बात नहीं है ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक एक्शन है और इस एक्शन के लिए एक ख़ास किस्म की हिम्मत और एक ख़ास किस्म की जो है वो माइंडसेट की ज़रूरत थी जिसने कि वो एक्सरसाइज करके वो ले लिया अब ये जो मर्ज़ी कर लें जितने यूम सयाह बनाते हैं यूम सफ़ेद बनाते हैं करारदादादा ले आते हैं चीन के साथ मिल के कुछ करते हैं कुछ नहीं कर सकते चूंकि उसके लिए अगर कुछ होगा तो वो खुद कश्मीर के अंदर से होगा कभी भी जिंदगी में अगर कुछ हो सकता है या माजी में हो सकता था अब ये जो कुछ हम पहले करते रहे इसको किसी भी तरीके से कोई कश्मीरी दानश्वर जो है वो कश्मीर के अंदर से होने वाला काम नहीं कहता था क्योंकि ये मिलिटेंसी और मिलिटेंसी को मज़ीद प्रोमोट करने के लिए साथ में जो पॉलिटिक्स हो रही थी ये क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिक्स थी बाहर से इंपोर्ट हो रही थी टर्मिनोलॉजी से लेके उसके अखराज से ले कर उसके शेल्टर से ले कर एवरी थिंग जो है क्रॉस बार्डर थी तो कोई कोई ये कहे कि ये कश्मीर के अंदर से कुछ हो रहा था तो ये टोटली गलत स्टेटमेंट है अब भी कश्मीर के अंदर से आपने देख लिया कि कोई रद्दमल नहीं हुआ अब ये लॉकडाउन के जो बहनेबाजी है आप मुझे ये बताएं कि जब ऐसे मौक़े होते हैं तो जिन लोगों ने अमल देना होता है वो ना गोलियों से डरते हैं ना फौजियों से डरते हैं ना लॉकडाउन से डरते हैं वो अमल देते हैं और दुनिया में आपने खुद देख लिया पैलेस्टाइन में आपने देख लिया कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अमल दिया लोग मरवाए जो कुछ किया लेकिन दिया अब कश्मीरीों का ये आलम है कि उनको सांप सूंघ जिस तरह सूंघ जाता है ना जो कुछ होशमंद लोग हैं वो तो शाख की हालत में हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये क्या किया ये मैं आपको बता दूं उनमें से 80 परसेंट जो है वो शाख की हालत में है चूंकि उनके जहनों में पता नहीं ये किसने डाला हुआ था कि जब कभी कोई ऐसा कदम उठेगा तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो श्रीनगर की सड़कों पे आ जाएगी ये जो इन्होंने कहा था ना कि हमारी औरतें दरवाजों से जान के बाहर देखती हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज किधर गए तो ये जो काम इस कदर बेवकूफ़ हो जाए इस तरह के मघालतू में इस तरह की मिस गाइडेड किस्म की उसमें चली जाए जाहिर है उसकी निजात जो है उसका कोई तरीक़ा नहीं होता वहां से अगर कुछ होगा अब मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल क्लियरली बगैर कोई इसमें लगी लिपटी रखे कि वहां से अगर कोई नेक्स्ट बहुत बड़ा मतालबा उठेगा ना कश्मीर के अंदर से तो वो ये होगा कि जी आप हम प्लीज़ हमारी रियासत हमें वापस दे दें और वो दे दें बगैर थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव के यानी जिस तरह हिंदुस्तान की बाकी रियासतें इस तरह हमें वापस रियासत बनने दें चूँकि बहुत पुरानी रियासत है ये बहुत सारे इसमें ये हैं लेकिन हम ना इसमें थ्री हमें चाहिए ना थर्टी फाइव चाहिए जिसका मतलब ये है कि आप जो कुछ मर्जी है जहाँ पे करते रहें बाहर से आके लोग आबाद हों ज़मीनें खरीदें बिजनेसिस करें जो मर्जी करें लेकिन हमें रियासत मिल जाए ये होगा उनका जो मैक्मम मतलब होगा आजादी का तो वो मामला चैप्टर जो है उसको आप फिलहाल क्लोज समझे तो बहुत क्लोज है लेकिन जो आपने बात की कि अगर कोई मैक्सिमम कुछ होगा तो वहाँ के लोग ये कहेंगे कि हमें हमारी रियासत वापस दें मगर सवाल ये होता है कि ये डिमांड करने वाले तो कुछ स्टेक होल्डर या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं स्टेक होल्डर और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की उनका हाल आपके सामने है अपॉर्चुनिज़म की इंतहा पर पहुँच चुके हुए थे हती के जो पुराने ग्रोह भी थे जैसे शेख अब्दुल्ला की फैमिली की जो लैगेसी थी वो भी अब तक जनरेशन आती हुई अपनी अपॉर्चुनिज्म की इंतहा पर पहुँच चुके थे उन्होंने इसको अपनी पर्सनल रियासत बना लिया हुआ था यही हाल मुफ्ती फैमिली का है यही हाल बाक़ियों का भी है तो इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में जब थ्री और थर्टी फाइव ए की एब्रोगे के बाद कोई भी उठ खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो पहले भी कोई ऐसी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं थी आपने दुरुस्त कहा कि वो सारी रेजिस्टेंस तो प्रॉक्सी की सूरत में इनफिल्ट्रेट होती थी पाकिस्तान की साइड से वहाँ पर वो भारत ने का उसका बंद किया और उसको उस पाइपलाइन को काफ़ी हद हाँ तक ड्रेन कर दिया अब उसके बाद तो कोई इम्कान नहीं है अब जो वीडियोस हम देख रहे हैं वीडियोस क्या मेरे अपने नुमाइंदे वहाँ पर हैं जम्मू कश्मीर में उनसे मेरी बर रास्त बात होती है वो ये कहते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं है शुरू में एक शॉक था एक मोशन वाली बात थी कि ये कैसे हो सकता था अब वो भी मामला रफा दफ़ा हो गया पहले भी तरक्की हो रही थी अब तो बेहद तरक्की हो रही है और अभी तरक्की जो हो रही है अंदर ही हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है वो सब अभी दुनिया के आज सामने दो तीन सालों में आ जाएंगे कुछ नहीं आ भी जाना था अगर ये कोविड नाइन्टीन ना होता तो ये बात बशनी सब तय है कि वहाँ पर तो कोई ऐसी डिमांड ही नहीं थी लोग प्यार अमन और सुकून से जीना चाहते थे इस सारी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि आप कहते हैं ज़्यादा से ज्यादा, ज्यादा मुतालबा ये होगा कि कोई रियासत की वापसी का मुतालबा करेगा भारत के साथ रहते हुए इंडिपेंडेंस ना मांगते हुए लेकिन मुझे तो इसकी भी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती बचाइन साहब कोई है ही नहीं इसकी भी रिप्रेजेंटेशन करने वाला नहीं देखें उसकी वजह यह है कि आप जो सत्तर साल से वहां देख रहे हैं कि एक तो दो ख़ानदानों की हुकूमत रही है जिन्होंने आपस में बांट भरत के तो रियासत को भी लूटा है वसाइल को भी लूटा है दूसरा यह है कि इनके दरमियान हिंदुस्तान से वफ़ादारी की दौड़ भी रही है इकतदार के चक्कर में कि पी डी पी और एन सी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें से ज़्यादा वफ़ादार हिंदुस्तान का कौन है वो जो होता है ना जैसे कि मैं तुमसे ज़्यादा वफ़ादार हूँ इसलिए मुझे इकदार मिलना चाहिए चूँकि वायद क्राइटेरिया ये रह गया था राह सवाल रेजिटेंस का तो कश्मीर के कॉन्टेक्ट में रजिस्टेंस का लफ्ज़ जो है मैं इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ वहाँ कभी रही नहीं है वहाँ पे मिलिटेंसी रही है एक तरह की जो है वो एक एनार्की की सिचुएशन रही है जिसमें कुछ लोग ने हथियार उठा के फ़ारन पावर्स और फॉरन एलिमेंट की इमाह पे तो वहाँ पे ख़ुद अपने पाँव पे कलाड़ी मारी अपनी नस्लों को कत्ल कराया और वहाँ पे आग और खून की होली खेली इसको आप रेजिस्टेंस नहीं कह सकते रेजिस्टेंस जो है वो एक पॉलिटिकल मनाजम रेवोल्यूशनरी फोर्सेस होती हैं जो किसी फोर्सेस ऑफ आकुपेशन के ख़िलाफ़ एक अवामी मसाला जदोजहद में जाती हैं जिसको अवाम लीड करते हैं उसको आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं तो ये तो एक गड़बड़ थी जिसके पीछे मैंने जैसे अर्ज किया बहुत सारे फैक्टर थे और वो भी एक्सपोज हो गई उनके भी लीडर जो हैं वो बेशुमार जेलों में चले गए उन पर करप्शन के चार्जिज हैं उन पे उंडी और हवाला के चार्जेस हैं उनके बाहर से पैसे लेने के चार्जेस हैं उन पे जो है वो पैसे लेके तो वहाँ पे दुकानें बनाने और जायदादें बनाने के चार्जेस हैं वो अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो ब्लेम गेम में उलझे हुए हैं वो तहरीक आपको देखा कि वो जो अली गिलानी साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया वो सारी चीज़ ये उस अंदरूनी तोड़ के नतीजे अंदाज जो हैं वो सामने आ रहे हैं अगर कोई दो चार लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं कोई मिलिटेंसी स्टिल हो रही है तो उसकी वजह जो इस तरफ बैठे हुए लोग हैं जिसमें सलाउद्दीन और इस तरह के हाफज टाइप लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि वो याद कर रहे हैं जो कि एक मुकदस चीज़ है बाकोलून के और इसके लिए वो बच्चों को मरवा रहे हैं आखिरी वक्त में जो बच्चा मारा गया उसकी उम्र थी सत्रह साल और वो जो है वो आज़ाद कश्मीर से इम्पोट हुआ था आज़ाद कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट प्लबरी है सदनोती वहाँ से उसको इंपोर्ट करके श्रीनगर तो में मरवाया गया और जब आपकी रेजिस्टेंस इस हद तक पहुँच जाए कि आप जनाब जो है वो दूसरे इलाके से जाके एक सोलह साल के बच्चे को ले आके मिलिट्री के आगे फेंक दें आसमान के तो आप कहेंगे हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इस लफ्स के साथ ज्यादती है आपने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है इसी लाइट नोट ये लाइट नोट भी और ये ग्राउंड रियलिटी भी है और ये लाइट नोट के साथ साथ एक अलमिया भी है कि मिलिटेंसी जो है उसको रेजिस्टेंस का नाम दिया गया दहशत गर्दी जो है उसको फ्रीडम का नाम दिया गया exactly. और अब जो सूरत हाल है फिफ्थ अगस्त की एक साल की एनिवर्सरी भारत की तरफ से मनाते हुए या कोई भी इंडिपेंडेंट सोच रखने वाला उसको मनाएगा वो शायद हम भी मनाएंगे, मैं भी यकीनी तौर पर मनाऊंगा और पिशानी साहब को भी शायद कोई इखिलाफ़ नहीं होगा चूँकि अगर उसके नतीजे में इंसानों को रिलीफ मिलता है अगर उसके नतीजे में मिलिटेंसी से निजात मिलती है टेर्रज़म से निजात मिलती है तो फिर एक डेमोक्रेटिक माशरे जैसा कि भारत है उसके साथ रहने में और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करने में कोई मसला नहीं है और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो तो पाकिस्तान की रियासत इट्सल में ना तो एथनिक कम्यूनटीज़ महफूज़ हैं ना रिलीजियस कम्यूनटीज़ महफूज़ हैं ना आइडियालॉजिकल कम्यूनिटीज़ महफूज़ हैं ना पोलिटिकल कम्यूनटीज़ महफूज़ हैं और ना ही इंडिपेंडेंट सोच रखने वाला कोई भी शख्स महफूज़ है आखिर में बशांत साहब इस ख़ास एक साल के मौका पर इस ख़ास दिन के मौका पर क्या आपकी मज़ीद फीलिंग हो सकती है जिससे हम कंकलूड कर सकें बातचीत को नहीं फीलिंग नहीं है जी शर्मिंदगी है कि हम लोगों को बेवकूफ़नाया जा रहा है और जो पाँच अगस्त के हवाले से मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में तैयारी हो रही है कि हम एक साल तक जो है वो छुप गए थे अंडरग्राउंड हो गए थे इंडिया से डर के तो अब हम फिर निकलें और एक इजलास करेंगे और आप लोगों को अगले साल तक हम खुशखबरी देंगे ये देखें इससे बड़ी ज़्यादा किसी काम के साथ जो है वो हो ही नहीं सकती कि आप इस तरह इस लेवल पे जाके तो इस तरह के झूठ बोलें मैं तो इसको कहूँगा बहुत ही फ्राजुलेंट किस्म की एक्टिविटी है जो हो रही है पाँच अगस्त को होगी और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उससे भारत पे कोई असर पड़ता है और ना उससे जो है वो कश्मीरियों पे कोई असर पड़ता है अलबा ये जो आपने बात की ना जी देखें कश्मीरीों को ये सोचना चाहिए कि जो उनके डेमोक्रेटिक राइट हैं जो उनकी लीडरशिप है जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं हैंकनॉमिक राइट्स हैं और पोलिटिकल राइट्स हैं सिविल राइट्स हैं वो किस तरीके से महफूज किए जा सकते हैं आज़ादी इन्हीं राइट्स के मजमुे का नाम है आज़ादी जो है वो नहीं है जो वो मांग रहे हैं कि यहाँ से आप निकल जाएं चूँकि आप हिंदू हैं तो ये इलाका हमें दे, दे दें ताकि हम यहाँ पे मस्जिदें बनाएं या यहाँ पे हम जो है वो नमाज़ें पढ़ें और ये सारे ड्रामे जो है जैसे हो रहे हैं वो करें आज़ादी जो है वो माशी और सियासी हकूक़ का नाम है और वो उनको जिस तरीके से मिल सकते हैं उनको लेने चाहिए और उसको उस तरीके से शाट कट करके लेने चाहिए इंडिया के अंदर इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं मैं समझता हूं कि उनके लिए भी अब वक्त आ गया है कि आज़ादी के नाम पे जो उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर ले, ले लेंगे और ले इसको पाकिस्तान बनाएंगे या आप लोगों को आपके हकूफ़ जा, दिए जाएंगे इससे निकलने का अब इनके लिए भी एक वक्त आ गया है कि वो सिर्फ़ अपना फोकस आज़ाद कश्मीर की हद तक रखें आज़ाद कश्मीर के अंदर लड़ने के लिए काजिज़ कोई थोड़े नहीं हैं जो एक्नामिक पोल्टिकल नाानसाफियाँ हैं वो कोई कम नहीं हैं जो डेमोक्रेटिक राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और अकीदे की बुनियाद पे और सोच की बुनियाद पे और नज़रिए की बुनियाद पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है आपको वोट लेने और वोट देने का हक़ नहीं दिया जाता इसलिए कि आप पॉलिटिकली डिफरेंटली सोचते हैं तो उस इलाके के लोगों का पहला फर्ज़ ये बनता है कि वो अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ें एक मनाज़म तरीके से और जब वो लड़ाई जो है उसको किसी जगह पे पहुंचा दें तो फिर दूसरे लोगों की फिक्र करें हमारी सॉलीडेरिटी सारी इंसानियत से है और कश्मीरियों से उस खुशी तौर पर है चूँकि तारीखी तौर पर हमारे रिश्ते हैं गलगत बल्तिस्तान हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया लेकिन हमारी जो सिचुएशन है उसमें जो पीपल ऑफ़ आज़ाद कश्मीर हैं उनका मेन कंसर्न एंड मेन फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि क्या हम आज़ाद कश्मीर में पूरे तरीके से माशी और सियासी तौर पर आज़ाद हैं क्या हमें अपने जो है वो हकूक़ हासिल हैं क्या यहाँ पर माशी इंसाफ हो गया है नौजवानों को रोज़गार मिल गया है या उनको तालीम और बराबर के मौक़े मिल गए हैं या उनकी धरती की जो लूट गसूट है और उनके वसायल हैं उसके वो मालक बन गए हैं क्या यहाँ का हके हुक्मरानी और हके मलकियतों हमें मिल गया है तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की मौजूदगी में अगर मैं कहूँ कि नहीं जी मैं जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराऊंगा या गलगित बल्तान को आज़ाद कराऊंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं आवाम को बेवकूफ़ बना रहा हूँ और उनको एक ऐसी विशफुल थिंकिंग में डाल रहा हूँ जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है और यही सत्तर साल से हमारे साथ हो रहा है बहुत आहार में बशानी साहब मैं आपका बहुत ही मुख्तर तजिया चाहूँगा जो कि तजिया नहीं है वो हमारी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग भी है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कश्मीर वो ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल से हम ये मतलब भी ले सकते हैं कि इमरान ख़ान की जो हर दूसरे रोज़ भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर के कॉन्टेक्स में जो ट्वीट आई होती है बयान होते हैं वो सब पब्लिक कंजम्पन के लिए हैं वो ख़ुद कहीं ऑन बोर्ड तो नहीं कि ये जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है वही जो पुराना एक मंत्रा था कि इधर तुम उधर हम ये तो शायद अब इस पोजीशन में भी नहीं है ये तो अब ये कहने के लायक है कि उधर तुम पता नहीं हम इधर हैं कि नहीं हैं ये एक कोई ऐसी सिचुएशन आपको लगता है कि इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटी ये है क्या नहीं ये मुझे लगता नहीं सर ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप एयूब खांस के ज़माने से होकर देख लें जनरल से जनरल मशरफ के ज़माने से कि ये पाकिस्तान की एक लागी बंदी पॉलिसी रही है जिसको आप कहते हैं ना रियल पॉलिसी आवाम को देखना छोड़ें कि हम किसी तरीके से कश्मीर की बंदर बांट कर दें वो इलाका जो उधर गया उनको दे दें और ये इलाका हम ले लें जिसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थी जिसमें खुद कश्मीरी लाबी भी है बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं ख़ुद पाकिस्तान में जो आकश माइंड है और लाबी है वो भी थी चूँकि कश्मीर उनके लिए एक जलता हुआ जो है वो अंगारा था जिसको जब मर्ज़ी भड़का दिया जब मर्जी बंद कर दिया उन्होंने भी रखा हुआ था अब आके तो ये जो इन्होंने किया है ये उसी पॉलिसी का तसलसल तो है चूँकि ये इनकी आइडियल चीज़ थी कि किसी तरीके से भारत वो ले, ले और ये हमें दे दे और बस ये मामला ख़त्म कर दे लेकिन बीच में रंग में भंग अब पड़ गया आके जो मोदी साहब ने स्टैंड ले लिया वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यानी इनको तो जहन में ये था ना कि वो जिस तरह एक स्पाइल्ड बच्चा लाडला बच्चा होता है ना जी कि जी कश्मीर हमें दे दो कि इन्होंने रेट लगाई हुई थी नॉन स्टाफ किस्म की और जवाब में इंडिया के जो पुराने लीडर थे जो नेहरू टाइप वो इनको कहते थे कि जी दे देंगे वो कभी सख्ती से भी उन्होंने इनकार नहीं किया लेकिन रेफरेंडम कराएंगे ये कराएंगे कोई डेमोक्रेटिक रास्ता इख्तियार करेंगे ये पहली दफ़ा इनके साथ ये हुआ कि किसी हिंदुस्तानी हुक्मरान ने कहा कि ये तो हम ले लेते हैं अब फौरी तौर पे और अनकंडीशनली लेकिन वो भी आपके पास नहीं छोड़ेंगे अब इनका प्रॉब्लम यह है कि ये कैसे बचाएं और ये इस खौफ में मुबदला हो गए इमरान ख़ान की जो है वो हंड्रेड हंड्रेड परसेंट जो है अंडरस्टैंडिंग है जनाब मोदी साहब जब आए थे इलेक्शन हो रहे थे तो इमरान ख़ान वाइज लीडर था दुनिया में जिसने दावे से कहा था कि अगर मोदी साहब जीत जाते हैं तो मसला कश्मीर ख़त्म हो जाएगा तो मसला कश्मीर आपका क्या ख़्याल है कि ये ऑक्सफोर्ड के अंगूठा चाप साहब जो हैं ये क्या समझते थे कि ख़त्म कैसे होगा कि ये तश्ती में रख के इंडिया हमें दे देगा कि उनके जहन में यही नक्शा था कि हम इसको तकसीम कर देंगे जो हमारा है वो हमें हो जाएगा और जो उनका है उन्हें मिल जाएगा लेकिन मैं नहीं समझता कि अब इंडिया इनको ये बात तस्लीम करेगा क्योंकि इसमें अब जो चीन का नया रोल बन रहा है और चीन जो नया पोस्चर अख्तियार कर रहा है वो एक डेंजरस पोस्चर है और वो एक तरह का बालादस्ती का पोस्चर है उस इलाके में खिते में तो उसमें जो है वो जम्मू कश्मीर के ये दो पार्ट जो हैं आज़ाद कश्मीर और गलगत बलस्तान ये बहुत इम्पॉटेंट हैं स्ट्रैटिकली भी और जो चीन का वहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट अब जुड़ गया है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है जो डैम बना दिए हैं जो कर्ज़े दे दिए हैं जो वो सड़कें बना रहे हैं इस सब की मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि ये अब मामला इनके हाथ से निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए अब ये बड़े परेशान हैं कि किसी तरीके से इसको कैसे किया जाए यही वजह है कि दुनिया सारी चीख रही है चीन के जो किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुक के नेगेटिव असरात पे कि जहाँ जहाँ भी चीन ने इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे अब शोर पड़ना शुरू हो गया है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्बेलेंस है और इसका अब जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है उन लोगों को फ़ायदा नहीं होता लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अप कर रहा है अब आप देखें सी पैक को उन्होंने एक नया डायरेक्टर एक मिलिट्री मेरे ख्याल में मैन उन्होंने उठा के वाहि शुभ था जहाँ नहीं था वहाँ भी बिठा दिया तो इस हवाले से जनाब ये इनकी सोची समझी स्कीम है और इनमें साथ में जो इन्होंने एलेक्शन भी लड़ने हैं ना तो कश्मीर, ये कश्मीर के नाम पे जो इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है आम वोटर में और जो ब्रेन वॉशिंग की हुई है उससे एकदम निकल नहीं सकते इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप निकल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान ने सम हो ये तय कर लिया है कि कश्मीर अब हमें नहीं मिल सकता अगर कुछ कर सकते हो तो इसको बचा लो ये जो साढ़े चार हज़ार मुबा मील छोटा सा पहाड़ी इलाका है बहुत शुक्रिया बशानी साहब आज के थर्ड ओपिनियन में आप ही के शो में आप ही के साथ ब्रेन स्ट्रामिंग करते हुए और ये एक ऐसा मसला है जिस पर बशानी साहब अपने शो में और मैं भी अपने शोज़ में और हम मिल भी अपने शोज़ में बातचीत करते रहेंगे आखिर में बशानी साहब ने जो बड़ी अहम बात की वो ये कि मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने उनके दूसरे इलेक्शन के मौका पर यह कहा था कि अगर मोदी साहब जीत गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो मोदी साहब जीत भी गए हैं और उन्होंने कश्मीर का मसला हल भी कर दिया है अब पाकिस्तान के लिए ये परेशानी है कि उनका मसला उनकी तरफ का जो एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है वो अब कैसे हल होना है इसी थॉट के साथ आज की गुफ्तगू -गु सुनने और देखने का बहुत शुक्रिया Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.